हेलो दोस्तों, शडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21391 वाले अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही जरूरी वीडियो है। जिनका एग्जाम हो गया है उनका भी ये डिमांड था, और जिनका एग्जाम बाकी है उनके लिए भी ये सावधानी होगा। यानी कह सकते हो कि आप वार्निंग कह लो, सुझाव कह लो, निवेदन कह लो, क्योंकि आपका रिजल्ट तो आना चाहिए ना इस भर्ती में, यानी 21391 में। अब अंततः यानी आपको इसमें ज्वाइनिंग करना है, यानी ये तो है नहीं कि सिर्फ रिजल्ट आ जाए और आगे की प्रक्रिया में हम छट जाए। आगे की भी प्रक्रिया में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और ये जो सभी शेड्यूल में आप देखोगे कि दो आपको एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया है सीएसपीसी द्वारा 6 तारीख के 7 तारीख को और 11 तारीख को, बाकी 4 दिन अभी भी बचे हुए हैं 18, 21, 25, 28। अब ये दोनों में जो गलती किया गया है, हजारों की संख्या में गलती किया गया, और पढ़ने वाले लड़के भी गलती किए हैं, तो तैयारी नहीं किया है उनका गलती करना तो ये माना जाता है कि उनसे गलती हो सकता है, कभी प्रैक्टिस नहीं किए थे, चोरी के तरीके में लगे थे, गलती हो गया। लेकिन जो पढ़ने वाले गलती की है 7/8/2024 को और 11/8/2024 को, उनसे बड़ा शिकायत है। तो शिकायत तो है तो भैया वो भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक और मात्र एक चांस है, अगर एज है तो 20,000 भर्ती आ रहा है, इस 20,000 भर्ती में आप अपना तैयारी में लग जाइएगा। कैसे क्या होगा उस पर मैं अलग से प्रक्रिया बताऊंगा। अब यहां पर देखिएगा कि आपका 18 वाले अभ्यर्थी, 21 वाले, 25 वाले, 28 के लिए क्या सुझाव होगा और क्या क्या गलती किया गया है। देखिए, ओवरऑल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद जो है, एग्जाम हॉल में आप जो लापरवाही कर रहे हैं उससे आपको सचेत करना है। 18 वाले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी एडमिट कार्ड 7 दिन पहले आ जा रहा है, तो अपना एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ रहा आपका 21 का, सर जी कब एडमिट कार्ड आएगा तो वो भी देख लो, 21 का एडमिट कार्ड कब आएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 21 तारीख का, 14 तारीख से, यानी कि आज आप रात के 12 बजे से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेंगे। यानी कि आज 14 तारीख है, कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त को सभी को स्वतंत्रता दिवस के लिए सबसे अग्रिम मैं आपको बधाई दे देता हूं, और अच्छे तरीके से कल हम लोग झंडा फहराएंगे, स्वतंतत्रता दिवस मनाएंगे। अब देखिए, ओमर सीट के संबंधी जो निर्देश दिया गया है उसे आपको पहले पढ़ लेना चाहिए था, ठीक। फिर और भी टॉपिक पर मैं बात करूंगा, पहले इसे देख लो ये, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या, हजारों नहीं लाखों की संख्या में लड़के बाहर होंगे, माफ कीजिएगा, लाखों की संख्या में लड़के बाहर होंगे। अब लाखों की संख्या में लड़के क्यों बाहर होंगे, क्योंकि इसे बड़ी हल्के में लड़के ले रहे हैं। मैं बार बार हमेशा सचेत करता हूं, रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर, इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। माइनर मिस्टेक भी आपको रिजल्ट से बाहर कर सकता है, यानी आप रिजल्ट के इंतजार में लगे होंगे, फिजिकल करने में लग जाएंगे, और ये जो गलती आप कर रखे हैं ये आपको बाहर कर देगा। और मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे से भी एक बार गलती हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बराबर बताते रहता हूं। इसलिए मैं देखो, जो चीज एग्जाम हॉल में होता है वो वही चीज जान पाएंगे जो एग्जाम हॉल में अपीयर्ड हो रहे हैं। मैं बराबर एग्जाम देते रहता हूं। अब तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एज है नहीं कि मैं उसमें दूंगा, इसलिए देखिएगा, इस बार मैं एग्जाम नहीं दे रहा ना, तो इस बार भी एग्जाम देता, जाना नहीं है, लेकिन एग्जाम देकर ये जरूर लगता है कि क्या लड़कियों को हम सुझाव दे सकते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या गलती नहीं करना है। बाकी देखें, उपयुक्त त्रुटियों के बचाव हेतु अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पूर्व वेबसाइट पर दिए गए लिखित परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश को अध्ययन करें और उत्तर पत्रक यानी ओमर सीट के प्रतिरूप यानी स्पाइस कॉपी पर अभ्यास करें। आपको क्या लगता है कि पटना का कोई भी संस्थान, एक तो ओपन टेस्ट फ्री में नहीं कराता है, मैंने आपको देखिएगा बहुत ज्यादा मात्रा में ओपन टेस्ट कराया, आपको 600 लड़के 700 लड़के आते थे। दूसरा नंबर, ओपन टेस्ट तो कराते, ओमर सीट नहीं देते, मैंने फ्री में ओमर सीट भी दिया। मैंने क्यों दिया, आपको ये सोचना चाहिए, आपको मैंने क्यों दिया, मैंने इसलिए दिया कि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ, आप लोगों से गलती ना हो पाए, एग्जाम हॉल में जो गलती हो रहा है वो प्रैक्टिस कर पाओ। और लोग क्या किए, उसे मजाक में लिए, मजाक में जो लिया है वो आपको भुगत रहा है। बहुत से ऐसे संख्या में लड़के क्या है, यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है ये सब तो आपको सबको पता होगा, लड़के गलती कहाँ किए हैं सबसे पहले, और लड़कियां गलती क्या कर रही है और लड़के क्या गलती कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनुच्छेद लेखन है, अनुच्छेद लेखन में इंग्लिश या हिंदी कोई एक लैंग्वेज उठाई है, लेकिन बहुत से लड़के क्या किए हैं, अरे भाई जो तुम्हारा अपने से अनुच्छेद लेखन नहीं करना है, या एडमिट कार्ड पर कोई अनुच्छेद लेखन नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन जो बुकलेट मिलेगा आपका, यानी जो क्वेश्चन पेपर मिला रहता है उसके पहले ही पेज पर लिखा रहता है, आपको जो लिखा रहता है वही लिखा जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इन्विलेटर से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद लेखन, अपने मन से कोई भी चीज उठाकर लड़के लिख दिए हैं, जिससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट छट सकता है। तो यहाँ पर किया, एक लैंग्वेज में लिखना है, और आपको एक लैंग्वेज में वहां पर पूछ भी सकते हो कि सर जी ये दो लैंग्वेज में लिखना है या एक लैंग्वेज में, तो अभी तक जो अभ्यर्थी बताएं कि सर एक लैंग्वेज में लिखने के लिए आ रहा है, यानी ऐसा ही आ रहा है, और ऊपर हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, इसे छोड़ना नहीं है। बहुत से लड़के क्या किए हैं कि इसमें गलती भी हो जाता है, मान लो इसमें एप्पल लिखना है, यानी आपका जो क्वेश्चन बुकलेट है उस पर एप्पल दिया है, आप एप्पल की जगह पर APLE
स्पेलिंग लिख देते हो, यानी माइनर मिस्टेक होता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, ये लेखन है, कोशिश कीजिएगा हूबहू लिखने के लिए, लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि आप क्या छोड़ रहे हैं क्या लिख रहे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लड़के पूछ रहे थे हजारों की संख्या में कि सर जी कुछ कुछ मिस्टेक हो गया है, हाँ हमेशा याद रखना इस पर लिख कर ऐसे काटना मत, यानी कि ऐसे ऐसे काटना मत, ऐसे ऐसे काटना मत, आपको ऐसे ब्लेड से खुरचना मत, या इस पर आपको वाइटर नहीं लगाना, ये समझ करना। अगर गलती हो गया है तो वैसे ही आगे बढ़ते चले जाना, ओनली ये आपको राइटिंग देखा जाता है, लेकिन कोशिश करना जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है हो बहु वही चीज हम पर हिंदी या इंग्लिश में उतार दें, क्योंकि देखो। और दूसरा सबसे बड़ा गलती कहाँ की है लोग, रोल नंबर में। यहाँ पर रोल नंबर में देखोगे कि एक लड़की तो बोली कि ये रोल नंबर में हम मोबाइल नंबर डाल दिए, क्वेश्चन जो इन्विलेटर है उनसे पूछे वो नहीं बताए, तो हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें इसमें, तो हमको तो रोलो नंबर नहीं पता था क्योंकि हम तो तैयारी कभी किए नहीं थे, तो ये हमने इसमें मोबाइल नंबर डालकर और रंग दिया। तो मोबाइल नंबर भी नहीं डाला भाई इसमें, तुम्हारा एडमिट कार्ड पर रोल नंबर जो दिखा है उसे पहले लिख लो, कभी लिख लो। और जो लोग ऐसे नहीं किए उनका पक्का गलती हुआ है। मैंने क्या बोला, यहाँ पर मान लो तुम्हारा 2 से रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है, 2 यहाँ पर लिख लो, उसके सामने जो 2 है उसे बूंदी कर दो, बूंदी मात्र करना है। फिर मान लो यहाँ पर 5 है तुम्हारा, उसके सामने बूंदी कर दो। फिर यहाँ पर मान लो आपको 8 है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर अब शुरू से लिखोगे तो पूरा तो लिखकर बताएंगे नहीं, यहाँ पर मान लो 9 है तो 9 के सामने बूंदी कर दो। इसे क्या करो, रंगने से पहले एक बार फिर वेरीफाई कर लो ऊपर क्या हमने सही लिखा है, सही लिखा है क्या, उसके सामने जो बूंदा बूंदी किए हैं वो सही है, सही है, तब इसे रंगने शुरू करो। एक दो बार वेरीफाई कर लो, भले तुम्हारा आपको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन अच्छे से वेरीफाई कर रंगोगे ना बउआ, समझो यहाँ पर गलती होने का कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है गलती होने का, यही काम करो। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना है। क्वेश्चन बुकलेट में क्या लिखोगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन अपना बुकलेट लिख लोगे, और फिर वहां पर सामने आपको क्या करोगे, पहले ऊपर वाला अंक लिख लेना, फिर उसके सामने बूंदा बूंदी देना। मानो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 8 लिखे तो 10 ये लिख लो। मैं आपको समझा देता हूँ, ये तुम्हारा रोल नंबर है, तो 1 के सामने यहाँ पर 1 बूंदी दे दो, 4 के सामने 4 दे दो, 1 के सामने 1 दे दो, 2 के सामने 2 दे दो, 6 के सामने 6 दे दो, 8 के सामने 8 आपको दे दो, और 6 के सामने 6। बस को क्या करना है, फिर से ऊपर देख लेना है क्या मेरा रोल नंबर सही लिखा है, फिर नीचे देखना है क्या मैंने उसके सही सही बूंदी दिया है। दो बार ऐसे करोगे आपको एक भी बार गलती नहीं होगा, एकदम वेरीफाई हो जाएगा। और मान लो कि तुमने गलती बूंदी दे रखा है, तो एक बूंदी के चलते तुम्हारा, यानी एक बिंदा के चलते, जिसे पॉइंट कहा जाता है, मतलब इसके चलते तुमको बाहर नहीं किया जाएगा। अगर मान लो कि 6 है और तुम यहाँ पर 5 पर बूंदी दे रखे हो, तो फिर दोबारा जब चेक करोगे कि कहाँ दिए रखे तो पता चल जाएगा, तो फिर 6 पर आपको बूंदी लगाकर बढ़िया से रंग देना। हाँ, बहुत से लड़के क्या किए हैं कि इसी में क्या किए हैं कि औरों के बात माने हैं। देखो जब तुम ब्लेड से कुरचते हो ना, यानी कि तुम टेम्पर कर रहे हो, किसको टेम्पर कर रहे हो, पूरा ओमर सीट को टेम्पर कर रहे हो। ये 2 कारण से, एक तो ओमर सीट टेम्पर करना भी गलत काम है, यानी वो पूरी तरीके से कंपटीशन से बाहर। ओमर सीट पर कुछ लिखना, मान लो तुम लिख दोगे कुछ ऐसा इंडिकेशन दे दोगे कि तुम्हारा ओमर सीट अलग से निकाल कर कोई कुछ कर सकता है, ये नियम है, ऐसा कुछ कर नहीं सकता, ये जो नियम है उस नियम के अनुसार मैं बता रहा हूँ, तो ये भी नहीं करना है आप लोगों को, एक बात ध्यान रखिएगा। तो जो भी वाइटनर लगा देते हैं या जो ब्लेड से कुरच देते हैं, यानी कि वो टेम्पर कर रहे हैं, यानी ओमर सीट को क्या कर रहे हैं, अपने से इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मेरा ओमर सीट है और आपको इसको अलग से चेक करना है, ये ऐसे कर सकते हैं, तो ये काम नहीं करना है। और ओमर सीट टोटल का टोटल मशीन में जाता है, यानी मशीन से चेक होता है, इसमें कोई भी आदमी का इंटरफेयर नहीं होता है। आप देखोगे यहाँ पर, आप देखोगे कि अभ्यार्थी नकल, कुछ अभ्यार्थी सच में क्या किया हमको ना पता है, कुछ अभ्यार्थी ने फोन किया, लगभग 10-12 अभ्यार्थी बोले कि सर जी मेरा ये गोला भर गया है मेरे से जल्दीबाजी में। या तो उनके पास 2 हो सकता है ऑप्शन कि मेरे से छिपा रहे हैं कि अगर इन्विलेटर ये गोला भर दिया है, चोरी करते हुए पाए गए हैं, या वो कह रहे हैं कि सर जी इसका कोई तोड़ है, यानी कि ये मेरे से ही भर गया है, 2 हो सकता है, या तो इन्विलेटर भरा है या खुद वो भरा है। तो दोनों के हिसाब में इनका काम खत्म हो चुका है, अब इनको कोई रियायत नहीं है, ये आपको ब्लेड से कुर्चे हो, व्हाइटनर भरे हो, अपने से भरे या दूसरा भरे, इनका कोई मतलब नहीं है। और इन्विलेटर के खास करके संदेश दिया गया है कि आपको अगर कोई भी कदाचार प्रत्यार है, आपको कुछ नहीं करना, ये वाला गोलावा भर देना है, उसका ओमर सीट ऐसे ही काम खत्म हो गया, वो कितना भी क्वेश्चन बनाए का है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर वीक्षक का सिग्नेचर, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वीक्षक का सिग्नेचर नहीं कराते हैं, वो अपना गलती कर रहे हैं, वीक्षक को ध्यान में रखकर यहाँ पर सिग्नेचर करा लेना है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। जो भी आप सिग्नेचर किए होंगे वो वहां पर आपको कैंडिडेट सिग्नेचर में डाल सकते हैं, और यहाँ पर वीक्षक के सिग्नेचर, कैंडिडेट सिग्नेचर अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी करते हैं, वैसे तो आपको जो फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर दिए होंगे वो भी कर सकते हैं, या जो एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर है उस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सिग्नेचर आप हिंदी मालो इंग्लिश में किए थे हिंदी में कर देते हो तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना वही करने के लिए, ज्यादातर लोग इंग्लिश में ही सिग्नेचर कर देते हैं इस बात को, अगर आप हिंदी में किए हो तो हिंदी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ जो आप लोगों के बीच में भ्रांतियां फैल रखी है उसे मैं दूर करता हूं कि सर जी हम क्या किए हैं कि मेरा 6 नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर में हमने 2 गोला भर दिया, तो क्या मेरा ओमर सीट नहीं चेक होगा? जी नहीं,
अगर आप दो गोला भरते हैं, ध्यान रखो, अगर आप दो गोला भरते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। ओमर सेट यहाँ पर टेम्पर नहीं हुआ है, ओमर सेट में कोई गलती नहीं है। अगर मान लो 30 नंबर का भी क्वेश्चन सोल्व किया, यहाँ पर ए और डी दोनों गोला भर दिए, तो दोनों गोला यानी कि आपको ए नंबर भरे और आपको याद है या नहीं, इसके ए नंबर आंसर नहीं होगा, डी नंबर होगा, तो डी नंबर भर दिए। भाई ये गलती मत करो, क्योंकि तुम देखो दोनों का दोनों भर दिए हो। एक अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि ए मान लो हम भरे हैं और डी भरे हैं, ये दोनों ध्यान में रखना, दोनों भर्ती हैं, तो दोनों के हिसाब में ये क्वेश्चन ही तुम्हारा खत्म हो गया, यानी कि किसमें कुछ नहीं मिला। और बाय द वे मान लो तुम सोच रहे हो डी आंसर होगा और ए वाला हम गोला भर दिए हैं, तो छोड़ दो, डी मत भरो। अगर भर दियो एक बार गोला तो वो वही गोला रहने, तो मत भरो। और गोला को संपर्क में नहीं आना चाहिए, ए वाला गोला भरे बी वाला और दोनों को सटा दे रहे, इस स्थिति में भी तुम्हारा ये क्वेश्चन हट जाएगा, इस स्थिति में भी तुम्हारा ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एक बार क्वेश्चन के आंसर में गोला भर दे रहे हो उसमें कोई टेम्पर, और सुन लो, एक लड़की फोन कर बता रही है कि सर जी 31 नंबर क्वेश्चन हम बना रहे थे, इसके आंसर ए लगाएं और आपको फिर हम व्हाइटनर मांगे, क्योंकि मेरे को आंसर डी लग रहा था और हम ये आपको ए वाला छोड़ते, फिर व्हाइट आपको ये वाला पर व्हाइटनर लगाकर डी वाला रंग दिए। ये सबसे बड़ा आप कह सकते हो गलती आपने किया है, ये गलती नहीं करना है, क्योंकि इस स्थिति में तुम अपना ओमर सीट से टेम्पर कर दिए, यानी ओमर सीट को पूरी तरीके से बिगाड़ दिए, वो तुम्हारा अब गलत हो जाएगा। अब वो तुम्हारा कोई क्वेश्चन उसमें कितना भी करो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ना आपको व्हाइटनर लगाना है ना कोई ब्लेड लगाना है, एक बार गलती हो गया वहां पर संतुष्ट हो जाना है कि भैया ये हो सकता है। देखो बाय द वे मान लो यहाँ पर तुमसे ये वाला लिखने में गलती हो गया, ऊपर वाला यहाँ पर 6 लिखना चाहिए था तो हम लिख दिए यहाँ पर 5, तो गलती हो गया, तो इसे 6 बना दो, इसे 6 बना देना, या आपको कुछ भी, यानी मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लिखना था, मान लो यहाँ पर 3 लिखना था 2 लिख दिए, तो इसको क्या करो अपने अंदाज से इसे 3 बना दो, ऐसे बाहर मत करना, ऐसे 3 बना दो अपने अंदाज से ही छोटा, और उसके सामने गोला रंग दो 3। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले ऊपर वाला रंगोगे तो उसमें सुधार हो सकता है, लेकिन गोला रंग का मान लो कि यहाँ पर तुम यहाँ पर क्या रहे गो लिखकर गोला रंग दियो, गोला रंग दियो ठीक, लेकिन यहाँ पर तो 3 लिखना था, 3 फिर 3 के सामने वाला गोला रखोगे इसे 3 रंगोगे, तो ये इस स्थिति में तुमको क्या करना है, इस स्थिति में समझो कि तुम्हारा पूरी तरीका से काम खत्म है, यानी पूरी तरीका से ओमर सेट नहीं चेक होगा। इस स्थिति में ज्यादा से कर सकते हो कि इसको मिटा सकते हो ऐसे कर, आपको फिर भी आप खोगे कि आपका ओमर सेट लगभग नहीं है, 99% चांस है, लेकिन अगर आपका लक सही है, अगर बढ़िया से ये आपको मशीन पढ़ लेता है ये वाला नहीं पड़ता है, तो फिर हो सकता है कि तुम्हारा बल्ले बल्ले हो, लेकिन व्हाइटनर मत लगाना, क्योंकि क्या करोगे तुम, मान लो कि इसमें गलती कर दियो, 3 नहीं भरना था और 3 ही तुम भर दिए, 4 भरना था और फिर तुम 3 पर व्हाइटनर लगा रहे हो, फिर तो वही बतिया कर रहे हो कि गोला भर रहे हो, कहां ब्लैक की जगह व्हाइट से गोला भर रहे हो, बतिया तो वही ना हुआ, ब्लैक की जगह तुम व्हाइट से गोला भर रहे हो। व्हाइटनर भी तो एक चीज ही है ना लिखने के लिए, यानी कि तुम्हारा जो लिखा हुआ है उसे मिटाने के लिए एक पेंट है, पेंट है, तो गोलावा तो भर ही रहे हो ना, वो रीड करेगा तो वही चीज कर लेगा, फिर तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा। तो जो चीज मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से देखिएगा, ये ओमर सीट वाले के लिए खास संदेश था, और ओमर सीट के ऊपर कोई भी ओम नमः शिवाय या जय बजरंगबली या जो भी अपना जो धर्म संबंधित कोई भी निशान चीज नहीं बनाना, ऐसे आपको कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो, जो भी चीज है, यानी कि आप किसी भी धर्म से आते हो कोई भी धर्म वाला चीज मत बनाना, और इसे भी मत टेम्पर करना, इसे टेम्पर करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये तुम्हारा बार कोड होता है जिस हिसाब से तुम्हारा पूरा डिटेल्स ओमर सीट का रहता है, तभी तो आपको कैटेगरी नंबर आपका पता चल जाता है कंप्यूटर में। कुछ और बातें जैसे कि गोला भरना जो है, यानी गोला आधा अधूरा नहीं भरना है, इस तरीके से गोला नहीं भरना है, गोला इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, गोला तुम क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इस स्थिति में तुमको घबराना नहीं, अगर गोला तुम भरते हो मान लो कि 6 है, 6 गोला, 6 नहीं यहाँ पर मान लो 4 लिख देते हैं, 4 है, 4 गोला भरते हो तो ऐसे ऐसे गोला भर रहे हो, थोड़ा से अगर बच भी जाता है तो उसे चिंता मत करो, या थोड़ा से बाहर भी निकल गया, जैसे इतना भी बाहर निकल गया, इसे चिंता मत करो, गोला सटना नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा ठीक। तो जिस तरीके से गोला भरा गया है यहाँ पर आप देख सकते हो, उसी तरीके से आपका गोला भरना है। आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, जो लड़का लड़कियां गलती, खासकर लड़कियां जो गलती कर रही है और लड़के गलती क्या कर रहे हैं, और ये समझो बदलाव है, एक तरफ से हमेशा बदलाव होता है और बदलाव का आपको ध्यान में रखना चाहिए। गर्ल्स जो है ये देखोगे क्या कर रही है कि सावन का महीना है तो कोई मेहंदी लगाकर जा रहा है, कुछ कुछ लगाकर जा रहा है, बउवा नत जा मेहंदी लगाकर, एक साल अगर तू नहीं लगाएगी तो ऐसा नहीं है कि भगवान शिव तुमको किसी आ जाएंगे। मेहंदी लगाने से क्या हुआ है कि बहुत सी लड़कियों का एक हाथ पर जो लगाई है तो उसका एक हाथ का पूरी तरीके से वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, यानी कि 60% 50% ही ले पाया है। अगर दोनों हाथ पर लगाई है तो समझो तो उसका तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम किया गया है, उसको खड़ा कराकर उससे काफी ज्यादा सवाल किया गया है, क्योंकि जब आप मेहंदी लगाती है तो आपका थंब में भी लगाइबे करेंगे मेहंदी। इस स्थिति में क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो दिक्कत कर रहा है, वो जगह से शिकायत आया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो लड़कियां तुम कल मेहंदी लगाना बंद कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हाथ में कुछ नहीं आने वाला है, हाथ में तुम्हारा बहुत अच्छा अच्छा चीज आएगा। तो एक साल अपना जो है मेहंदी लगाना बंद कर दो, यानी कम से कम एग्जाम तक बंद कर दो, किसी और के शादी में लगा लेना, बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ठीक ना। तो मेहंदी वाला पहला नंबर ये आपको
दूसरा नंबर है, कोई भी काम थम से मत लड़का सब करे। लड़का बॉयज के लिए क्या चीज है कि बहुत से लड़के पढ़ाई करते समय क्या करते हैं, कलम लेके इसे रगड़ते रहते हैं, या कुछ दुर्घटना हो गया यानी बाइक चलाना स्पीड आपको चोट लग गया अंगूठा में, ये सब काम मत करो, क्योंकि दोनों अंगूठाए के निशान लिया जा रहा है, दोनों अंगूठा से वेरिफिकेशन किया जा रहा है, ये काम आपको नहीं करना है, बात ध्यान में रखिएगा। वरना अंगूठा अपना बचा कर रखना, मतलब ये नहीं कि अंगूठा दान कर आ रहे या ये चीज एग्जाम हॉल में इसे चेक हुआ रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, और उसमें अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर समझो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, बाहर हो जाओगे, यानी वेरिफिकेशन में ही आप बाहर हो जाओगे, ठीक। तो वो चीज जो चीज मुझे बताना था मैंने बता दिया। तीन चार बात और याद कर जाइएगा कि पहले बार क्वेश्चन पेपर मत खोल कर। देखो कल जो लड़का से बात हुआ है उस लड़का ने क्या बताया, सर जी आप सही बोले थे, आपका वीडियो हम नहीं देख पाए थे, मुझे नहीं पता था कि वो, अगर वीडियो हम देख पाते तो हमसे गलती नहीं होता। हमने क्या किया कि ऐसे ही ओमार से रंगे नहीं और 25 को क्वेश्चन बना दिए, और जब हम ओमार से रंगने लगे थे तो उस समय मुझसे गलत गोला भरा गया था, जिस कारण से मुझे लगता है कि मेरा इस बार रिजल्ट नहीं होगा। तो ये क्या है, पहले क्वेश्चन ही भरना है, पहले ओमार सीट अच्छे से भरना है, पहले 15 मिनट लगे 20 मिनट लगे ओमार सीट भरना है। फिर दूसरा काम क्या करना है, एक बगल का लड़का का शिकायत है, देख भी रहा होगा वीडियो देखेगा बाद में, कि सर जी क्या किया कि मेरे बगल के एक नाम का लड़का था और मैं भी था, क्या किया कि मेरा ही रोल नंबर डाल दिया, यानी कि वो अपना रोल नंबर नहीं मेरा देखे देखे, वो सब समझते हो ना, जो चोरी वोरी करता है जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसको क्या पता है कि ओमार सीट क्या होता है, कितने को तो पुलोगे ओमार सीट का फुल फॉर्म तो वो भी नहीं बता पाएगा ओमार सीट का फुल फॉर्म क्या होता है, और तुम एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो कितने को तो ये भी ना पता है कि ओमार सीट होता क्या है, कैसा दिखाई देता है और कैसे भरा जाता है। तो वो क्या किया कि ए आपको जो बी नाम का लड़का था इसका देखा देखी ए नाम का लड़का भर दिया, ये क्या है उसका रोल नंबर, बी वाला बोला कि सर ये देखिए हमारे बगल में एक लड़का था मेरा रोल नंबर डाल दिया तो क्या मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं उसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बुकलेट पर बार कोड दिया रहता है, तो बार कोड से जैसे ही रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट नंबर तुम डालते हो तुम्हारा डिटेल्स पता चलता है, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन अगर तुम फॉल्स डालते हो तो वो फॉल्स हो जाएगा, यानी कि जो तुम्हारा गलती डालोगे एक अंक भी गलती डालते हो यानी क्वेश्चन बुकलेट और रोल नंबर में तो तुम्हारा गलती हो जाता है, तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अगर कोई भी डाल देता है रोल नंबर तो तुम्हारा नहीं जाने वाला है, उसका ओमार सीट जाने वाला है, यानी उस ओमार सीट के जो बार कोड है उसके हिसाब से जो उसका इन्फॉर्मेशन होगा वो गलत हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, रीड नहीं कर पाओगा। इस स्थिति में तुम्हारा मतलब उस तुम्हारा सही रहेगा उसका गलती हो जाएगा, यानी कि जो लड़का तुम्हारा डाला हुआ है। बहुत से लड़के क्या करते हैं कि जो सिग्नेचर करने वाला आता है उसमें क्या करते हैं कि अपना रोल नंबर छोड़कर ऊपर वाला का रोल नंबर लिख देते हैं, दूसरे जगह पर सिग्नेचर कर देते हैं, दूसरे का अटेंडेंस बना देते हैं अपना छोड़कर, यह नहीं करना चाहिए। ये जो होता है हड़बड़ी में आप लोग काम करते हैं, थोड़ा समय निकालिए, और ये लाखों की संख्या आपको दिखिएगा बाहर होंगे, आप चिंता मत कीजिए, जब डाटा होगा आरटीआई हम लगाएंगे तो आपको बताएंगे, क्योंकि दरोगा में भी देखिएगा बहुत से संख्या में लड़के छटते हैं, इसमें भी बहुत से लड़के छटेंगे। और सबसे पहली बात जो चिंता करने की विषय है वो चिंता करने की विषय है कि हम एग्जाम हॉल में कितना बेहतर तरीके से जाकर अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, यानी कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, यही आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक। बाकी कितना क्वेश्चन डील कर रहे हैं, कितना स्कोर आ रहा है, ये सब चिंता छोड़ दो, आपके एग्जाम में परसेंटाइल लागू है, और कट अप पर वीडियो में पहले बता चुका हूं सेफ स्कोर बेहतरीन होगा आप लोगों का, बस जाकर बढ़िया से एग्जाम दे दो। अटेंडेंस बहुत ही कम हो रहा है और दिन प्रतिदिन अटेंडेंस गिरते जाएगा, आपका मेन और मेन मकसद होना चाहिए अच्छे से एग्जाम देना, और अच्छे से एग्जाम देकर आओ, कोई गलती मत करो, नहीं तो फिर सावधानी हटी दुर्घटना घटी और इसमें कोई तुम्हारा सहयोग नहीं कर सकता। चलो अच्छे से जाओ एग्जाम दो, फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय, जय हिंद।